इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। कहाँ से हो आप? मैं कोलकाता से। हाँ, कोलकाता से। कोलकाता से क्या नाम है आपका? अरबाज अली नाम। अरबाज अली, क्या करते हो आप? मैं पहले साहब यहाँ होटल में काम करता था, वेटर साहब। अच्छा, अभी एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी परेशान हो गया हूँ। किससे हुआ एक्सीडेंट? वो बाइक वाले ने मार दिया था। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? अभी मैं वहाँ कमरा था अपने, तो वहाँ से मैं अपनी ड्यूटी पे आ रहा था। तो ये अभी मैंने जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ से मैं जाके आ रहा हूँ। पैर में भी लगी हुई है ये? हाँ, ये पाँव पूरा खराब हो गया है, ये हाथ ऊपर तक है, ये पूरा यहाँ तक हो गया है। तो आपने चेकअप कहाँ करवाया था, एक्सरे वगैरह कहाँ से करवाए थे? जवाहरलाल नेहरू से एक्सरे कहाँ से कर रहा हूँ, पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? उन्होंने ये कुछ दवाइयाँ दी है, मैंने दर्द दर्द की दवा से लिख दी है। अब ये एक्सरे दिखाना मुझे एक बार, और एक्सरे आए कोई? नहीं। कितने टाइम हो गया लगे हुए आपके? 4 दिन हो गया था साहब, पैसे नहीं है मेरे पास में, कहाँ से करें? ये तो आज का है, ये अभी आज करवाया हूँ। 15 अगस्त है ना? हाँ जी, आज करवाया। अच्छा, डेट लिखी है 15 अगस्त का आज का। ये दवाइयाँ लिखी है, तब ये खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, यहाँ कहाँ खाऊँगा कहाँ सोऊँगा, इसलिए आज किसी तरह वापस अपने आज की डेट इस पर भी। हाँ, 15 अगस्त से अभी लिखी देख लीजिए यहाँ पे होगा। हाँ, दिख रहा है 15/8/2021 आज का। ये तो बाहर से दवाइयों के पैसे नहीं है आपके पास? कहाँ से आएंगे पैसे मेरे पास में? तो चलिए, अभी आप गाड़ी वाले से इसीलिए भीख मांग रहे थे आप? क्या? हाँ, इसीलिए मांग रहा हूँ। आप रहने वाले कहाँ के हो? प्रॉपर कलकत्ता का हूँ मैं। कलकत्ता का? आपका शुभ नाम? अरबाज अली। अरबाज अली। और फैमिली परिवार में कोई है आपके? कोई नहीं है, 22 साल से अकेला जी रहा हूँ। बीवी बच्चे कुछ नहीं है? कोई। माता पिता? नहीं, माता पिता तो पहले 21 साल पहले चले गए। ड्रिंक व्रिंक करते हो आप? नहीं साहब, नशा उसका कुछ नहीं है, बस भगवान रोटी दे दे, अल्लाह रोटी दे दे, बस ये काफ़ी। लेकिन अब ऐसा मुसीबत हो गया, मैं अपने गांव तक नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप लोग से ज़रा ये है विनती है कि ज़रा सा अगर दया करें तो रास्ते में कुछ खा पी के कुछ थोड़ी दवा लेके चला जाऊँ अपने गांव। बिल्कुल, हमसे जो होगा आपके लिए ज़रूर करेंगे हम, है ना? बस बड़ा उपकार होगा साहब, बहुत उपकार होगा। नहीं नहीं, हाथ मत जोड़ो, आप हमें हाथ मत जोड़ो, देखो हमसे जो होगा ज़रूर करेंगे। तो बाबा, ये कितने की दवाई आएगी आपके? ये अभी तो उससे पूछा था वहाँ पे, हाँ, तो बोल रहा था कि ये 700 रुपये के आसपास में आ जाएगी। 700 रुपये की दवा, और फिर आप दवा लेके गांव जाओगे? गांव चले। तो गांव का टिकट कितने का हो जाएगा आपका? 640 रुपये का टिकट होता है, ट्रेन का टिकट। जी हाँ, 640 रुपये का। 600 हो गया आपके, 1100-1150 रुपये है ना? वहाँ से फिर लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ती है। वो टिकट कितने का होगा? वो 130 रुपये के। 130 रुपये का, फिर मेरे गांव तक पहुँचा। ये हो गया आपके 1500 रुपये बाबा, है ना? बड़ी मेहरबानी हो, मैंने 4 दिन से भूखा प्यासा बहुत परेशान हो रहा था। देखो भैया, हमसे जो होगा जरूर करेंगे आपके लिए, एकदम भगवान के रास्ते में कर दीजिए बाबू। लो ये रखो आपका। इस तरह मैं मर जाऊंगा तो आपको भी अफसोस होगा बाबू, भगवान आपको तरक्की दे। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, कोई भी नहीं चाहता कि कोई मरे, है ना? कोई नहीं, मेरे मालिक ने अगर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा आजकल, कोई नहीं। आप पे ये तो इंसानियत थी कि हम जैसे गरीब आदमी को बुला के, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आशीर्वाद दे देना आपको हमें ना। भगवान करे आप खूब तरक्की करे, खूब नाम। आप दवाई ले लेना अपनी, अभी जाते वक्त दवाई ले लेना एक बार का, तो है ना, ये 2000 रुपये। आप अच्छा। दवाई ले लेना, आपका टिकट करवा लेना और शाम को निकल जाना। ट्रेन का पता है कब की ट्रेन है? 12:45 है अभी। 12:45 तो अभी तो टाइम पड़ा है, बहुत टाइम है आपके पास, आप दवाई लेके निकल जाओ। यहाँ से ज़्यादा स्टेशन दूर है नहीं, हमें तो आशीर्वाद दे देना बस। भगवान खुश रहते तुमको, तुम्हारी तंदुरुस्ती अच्छी रहे, जिस तरह से तुम मेरी मदद की हो भगवान अंदर से आपकी मदद करें, आप जैसे लोगों की मदद करें। बस भैया यही चीज, ये हृदय, ये दिल जो आपके पास है, कौन देता आज के ज़माने में? 2 रुपया नहीं देता कुछ नहीं। और आप 2000? नहीं, मैंने आपकी रियल परिस्थिति देखी, बाकी मैं पैसा नहीं देता हूँ किसी को भी। बहुत बढ़िया, मैंने आपकी रियल परिस्थिति देखी। देखो आपके पैर में लगा हुआ है, ऐसे कोई बैंडेज पट्टा करवा के नहीं घूमेगा, ठीक है ना? ऊपर करना एक बार ये जरा, वो गंदा ना हो जाए इसलिए प्लास्टिक बांध लिया। अच्छा, और हाथ पे भी ये हुआ है? यहाँ तक है। चलो बेटा, अब तो मेरा ट्रेन का टाइम हो गया, मैं तो चला जाऊँगा। हाँ बाबा, लेकिन एकदम दिल से बोल रहा हूँ, और इतनी बड़ी जगह पे हो गए, यहाँ पे ब्रह्मा जी भी है और गरीबी नमाज भी है,
सच बोलो, दिल से दुआ दे रहा हूँ कि एक दिन भगवान तुझे बहुत तरक्की देगा। बस बाबा यही थी आपसे और कुछ नहीं थी, हमें आपका आशीर्वाद। जैसा दिल आज तुम्हारे पास में, भगवान कह रहे कि जब तक तू जिंदा रहे तेरे माँ बाप का आशीर्वाद रहे, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद रहे, गरीब नवाज का आशीर्वाद रहे। बस बाबा और थोड़ी सी मेरी दुआ रहे कि बस अल्लाह कामयाबी दे, भगवान कामयाबी दे। बस बाबा यही थी आपसे और कुछ नहीं थी हमें। आप इलाज करवा लेना अपना ना, और दवाई लेके जाना ठीक है ना। दवा लेके टिकट लेके थोड़ा खाने का ले लूंगा। हाँ और बस बैठ जाओ, आप दवाई लेना पहले और फिर बाद में आप टिकट करवा के निकल जाना, कुछ खा लेना पी लेना। हाँ खाना ले लूँगा, पैकिंग करके गाड़ी में खा लूँगा। हाँ जो मेरी मदद की है, जो एहसान किया है, ये समझ लीजिए कि मैं दो दिन का सफ़र है मेरा, और मेरे पास में खाने के लिए सिर्फ ये था, ये 3 बिस्कुट के सारे में यहाँ से कलकत्ता तक जाता, लेकिन आपकी मदद से मुझे दवा भी मिल गई और खाना भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब मैं बड़े राजी बन से चले जाऊंगा बेटा। भैया देखो, सब वो कराने वाला अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, उन्होंने भेजा है फरिश्ता बना के मेरे को। कराने वाला तो वो है, लेकिन जरिए आपको बनाया ना वो। बिल्कुल, तो आप भी उसकी नज़र में कितने अच्छे हो गए। आप वहाँ भीख मांग रहे थे, मेरे को ऐसे लगा शायद कि आपके पैर में मैंने ये देखा था पट्टा हुआ है और आपके हाथ में भी था, तो मैंने इसीलिए आपको आवाज़ दी थी मैं, भैया इधर आओ। नहीं नहीं, बहुत उपकार है, बड़ा एहसान है, मैं बड़ा हूँ आपसे, तो आपके पाँव छू ले। नहीं नहीं नहीं, पाँव नहीं छूने मैं आपसे, आपके बेटे के बराबर पाँव नहीं छूने आपको मेरे, ठीक है ना। बहुत अच्छा हो गया। आप खाना वाना खाना, ये हाँ खाना खा लेंगे, दवा ले लेंगे, और रास्ते में और भी जो भी कोई आपको लगे बिस्किट वगैरह ये ले लेना भैया। हाँ सर, जय सर।